नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चमोली उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो मेरी आज की शेयरिंग है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी शौक होता है प्लांट का, लेकिन स्पेस होने की वजह से वो लोग गार्डनिंग कर नहीं पाते। तो आज की जो शेयरिंग है मेरी वो इसी पे ही है कि अगर आपके यहाँ स्पेस की कमी है, जगह नहीं है, तो आप किस तरह गार्डनिंग करें। तो वर्टिकल गार्डनिंग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, या तो किसी के पास मतलब जगह नहीं होती, बहुत कम जगह होती है, दूसरा कि मतलब कुछ लोग शौक़ के लिए भी करते हैं, जैसे मतलब मैंने शौक़ के लिए किया हुआ है, ये हमारी हट है तो मैंने इस पर इस तरह से अपने सारे जो हैंगिंग्स हैं वो लगा दिए हैं। मैंने शौक़ के लिए लगाए हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये हमारे हट का एक खम्बा है, तो इसमें मैंने मतलब इस तरह से सारे मतलब अपने पॉट लगा दिए हैं जो देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। कोई भी आता है तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ जुनू ने भी भौंकना शुरू कर दिया है, ऐसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। तो अगर आपके यहाँ भी स्पेस की कमी है तो आप भी इस तरह से वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको शौक़ है प्लांट लगाने का और जगह नहीं है, तो इस तरह से मतलब आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक खम्बा है और इसमें मतलब कितने सारे प्लांट मैंने पॉट लगा रखे हैं, और उन पॉट में अलग अलग तरह के प्लांट लगा रखे हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और अभी इसमें बहुत सारे वो आ सकते हैं, पॉट आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है जब हम गार्डनिंग करते हैं, कि कोई मतलब इनमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, कि जैसे इनके हैंगिंग्स काफ़ी नीचे आएंगे तो मतलब थोड़ा अंतर होना चाहिए, और मतलब इससे क्या है देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। लेकिन जिसके पास मतलब जगह नहीं है, क्योंकि हम कम जगह होने की वजह से तो ये गार्डनिंग मतलब इस तरह के आइडिया जो होते हैं इसीलिए हम ये गार्डनिंग करते हैं, तो वो थोड़ा नज़दीक नज़दीक भी लगा सकते हैं, क्योंकि जाली बीन्स इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, और जो पर्पल क्रिपिंग इंच है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, वो बस यहीं तक आएगी, कि मतलब उसके नीचे जो पॉट है पॉट के नीचे तक ही आएगी, और जाली बीन्स भी होगी तो ज़्यादा ज़्यादा इतने तक होगी। ये जैसे मतलब टेंगल हार्ट टर्टल वाइन होती है, और ये वाला सगलेंट है, ये काफ़ी नीचे को हैंग करता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत, मतलब देखने में तो ये खूबसूरत लगते ही हैं, और ऊपर से हमारी जगह भी बहुत बचाते हैं। देखो मतलब एक ही मतलब खम्बे में इतने सारे पॉट आ गए हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, ये तो मेरा खम्बा है, तो आप किसी लोहे की रॉड होती है जो उसमें कर सकते हो। मैं भी आपको बताती हूँ कि आप विंडो में भी इस तरह से कर सकते हो, जो आपकी घर की विंडो हो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप मतलब चाहे मतलब लोहे की रॉड इस तरह से बनवा कर, जैसे मतलब ये तो मेरे हट में हमने मतलब ये बांस के वो लगाए हैं ना, चाहे आप लोहे की रॉड से बना सकते हो, और जो बांस की लकड़ियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती है। मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ इसको मतलब झोपड़ी के लिए डिज़ाइन दिया था, मैंने तुरंत ही अपने गमले टांग दिए, सब काम में देरी कैसी, जो देखने में भी इतने खूबसूरत लगते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मतलब जो कोई भी आता है उनको भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और बस लेकिन मैंने ये ध्यान रखा है कि इनमें स्पेस दिया है। अब जैसे वैंडिन जीव भी मतलब काफ़ी फैलेगी अब कुछ दिनों बाद, और ये जो स्पाइडर प्लांट के हैं ये इनके बेबी पफ्स भी निकलेंगे, तो ये नीचे नीचे को लटकेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। इसमें मतलब अभी ऊपर और भी आ सकते हैं, तो जैसे हम एक लेयर ऊपर लगा सकते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, छोटे छोटे हम चाहें तो, अगर जैसे मैंने तो नहीं लगा रखा, लेकिन अगर जैसे हम छोटे छोटे पॉट भी लगा सकते हैं इनके बीच में, छोटे छोटे पॉट, जैसे ये बड़े हो गए इससे छोटे साइज के पॉट हम बीच में लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कम इसमें हम कितने सारे पॉट लगा सकते हैं। मेरे कितने पॉट होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉट तो मेरे लगे हुए हैं यहाँ से, फिर मतलब उसमें अभी इसमें मतलब 20-25 पॉट और आ सकते हैं, मतलब 4 पॉट ऊपर आ सकते हैं, और छोटे छोटे पॉटों की तो कोई गिनती नहीं है, वो तो बहुत आ सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मतलब मैं उनको मतलब जो मतलब मैंने स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे वो तैयार किए हैं, मैंने विंडो में लगाने की सोच रही हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ वो आइडिया भी कि वो मैं कैसे करूँगी। जैसे आपके पास कोई खिड़की है तो इस तरह से आप रख सकते हो खिड़की में। अभी मैं इस तरह के और स्पाइडर प्लांट के वो तैयार कर रही हूँ, हालांकि मुझे डांट पड़ेगी, मेरे हस्बैंड डांटेंगे कि तू पूरे घर को ऐसा बना दिया है। मैं यहाँ पर भी हैंग करूँगी अभी इस तरह से इनको, मतलब ऐसे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कर दिया, वहाँ पे कर दिया, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके कर दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने और भी पॉट तैयार किए हुए हैं जिनको मैं यहाँ पे अपनी विंडो में यहाँ पे ऊपर ऐसे मतलब काफ़ी मतलब इसमें फिर काफ़ी सारे पॉट आ जाएंगे। एक
एक मतलब लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एक लाइन वहाँ पे आ जाएगी और एक लाइन वहाँ पे आ जाएगी। ज़्यादा ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर पानी डालने की दिक्कत होती है और हैंगिंग्स में मैं अक्सर पानी डालना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं मतलब हार्डी प्लांट्स भी लगाना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने को देख के, बाकी जिन लोगों को ध्यान रहता है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे पॉट हैं तो मुझे फिर पानी डालने के लिए भी काफ़ी सारा हो जाता है। देखो इस तरह भी आप हैंगिंग्स बना सकते हो। ये हमारे एक अमरूद की टूटी हुई लकड़ी थी, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से बांध दिया और यहाँ पे हैंगिंग लगा दी। इसमें मैंने मोस रोज़ पर्सलिन की कटिंग लगाई है और यहाँ देखो पिटोनिया भी हो रहे हैं इसमें, इसके यहाँ पे छेद से निकला है पिटोनिया। आप बिना पैसे खर्च किए भी इस तरह से वो कर सकते हो, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह तो हर किसी के पास पड़ी ही रहती है। जिनके पास नहीं पड़ी रहती है वो कारपेंटर के यहाँ से ला सकते हैं, वो मतलब थोड़ा कम ही रेट में आपको दे देंगे जो उनके काम की नहीं होती। तो इस तरह से आप ये लगा के देखो, हमने भी इनको रस्सियों से ही बांधा है यहाँ पर ये, और हैंग करने के लिए मैंने ऐसे वायर लाए हैं, ऐसे वायर, ये देखो ये सारे वायर्स मैंने हैंग करने के लिए लाए हैं। इसको वायर से बांधा है यहाँ, और बाकी हमने रस्सी से ही बांधा हुआ है इसको। हमने मतलब ये नहीं किया हुआ है कि अगर आप मतलब कारपेंटर से काम करवाओगे तो वो तो तरीके से ही मतलब अच्छे से करेंगे, लेकिन हमने खुद ही किया है तो हमने, और बहुत साल हो गए इसे, कोई मतलब एक दो साल नहीं हुए, बहुत साल हो गए, और देखो कितने मजबूत के मजबूत हैं। बाकी जो मुझे हैंग करना होता है तो मैं ऐसे वायर ले लेती हूँ काफ़ी, क्योंकि ये वायर बहुत मजबूत होते हैं। ये तो खैर पुराना हो गया है, लेकिन जो ये वाले वायर होते हैं इस तरह के, ये वाले वायर काफ़ी मजबूत होते हैं ये, और सस्ते भी आते हैं। 20 रुपये का एक बहुत बड़ा मतलब काफ़ी सारा मिल जाता है। देखो ये सब मैंने वायर लगा के ही वो किए हुए हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ भी मैंने ये मतलब अपने जो हमारी खिड़की है, ये बाथरूम की खिड़की है हमारी, तो उसके पीछे यहाँ भी मैंने वो रखे हैं। अगर जैसे मतलब मेरे पॉट तैयार होते तो मैं इनको यहाँ पे और ऊपर भी हैंग कर सकती थी। तो ये सिर्फ आपके लिए आइडिया है, मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ भी इस तरह की कोई विंडो है तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हो। जिप लॉक टाई मिलती है मार्केट में, इनमें होल किया पीछे से, ये मैंने इजी के डिब्बे में लगाया हुआ है। और मैं इसमें जब मैंने रंग कर दिया था, मुझे याद आया कि मुझे रंग नहीं करना चाहिए था, सिर्फ वहीं पे करना चाहिए था जहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी इसमें डिज़ाइन वैसे ही बना हुआ था। तो जिप लॉक टाई मिलती है बाज़ार में, शायद 100 रुपये का पैकेट मिलता है या 150 रुपये का पैकेट मिलता है, तो उसे ला के आप इस तरह से होल करके इस तरह से हैंग कर सकते हो, या फिर वायर ला सकते हो। वायर भी बहुत सस्ती मिल जाती है, 20 रुपये का काफ़ी सारा वो मिल जाता है वायर का, बस आपको होल करना है किसी चीज़ की सहायता से। अपने गैस में गर्म करके भी कर सकते हो, मैं गैस में गर्म करके ही करती हूँ, गैस में चाकू गर्म किया और होल कर दिए इनमें, तो इस तरह से आप हैंग कर सकते हो। तो कम जगह में आप मतलब बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हो और अपने शौक को पूरा कर सकते हो। और जो जिन पॉट को हम हैंग करते हैं उनको हमें लाइट वेट बनाना चाहिए। पॉट को लाइट वेट कैसे बनाते हैं, इस पर मैंने कई वीडियो डाली है। लाइट वेट बनाने के लिए आप उसके नीचे मूंगफली के छिलके, धान की भूसी, पत्तियां, जो सूखी पत्तियां होती है गार्डन की, वो डाल सकते हो। उससे मतलब हमारे पॉट काफ़ी लाइट वेट बच जाते हैं। और जो मतलब ये नारियल के छिलके आते हैं उन मतलब उनको यूज कर सकते हो। तो जो हमारे ये हैंगिंग वाले पॉट होते हैं फिर उनमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता और उन्हें हम अच्छे से आराम से हैंग कर लेते हैं। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके स्पेस की कमी है और या फिर जिनको शौक है। मैं शौक के लिए हैंग कर रही हूँ, मतलब जो मुझे मतलब देखने में, एक तो ये खूबसूरती बढ़ाते हैं हैंग करते हुए, काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं तो अपने शौक के लिए कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ स्पेस की कमी है तो आप कर सकते हैं। देखो कितना खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, ये बहुत ही सुंदर कटिंग से लगाया है मैंने। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बोरोडाइल्स कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है।